अबाउट यूजीसी 2 पॉलिटिकल साइंस और आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्विज क्लास 38 और ये क्वेश्चंस होंगे 21 दिसंबर 2018 के क्वेश्चंस के ऊपर बेस करके तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को पहला क्वेश्चंस क्या है आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट भी दिए गए हैं करेक्ट कौन सा है बताना होगा फर्स्ट है द फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन स्टेट एक्शन द डिरेक्टिव प्रिंसिपल इंस्ट्रक्ट द स्टेट टू सर्टन थिंग्स तो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिमिटेशन अपॉन स्टेट राष्ट्र के ऊपर कुछ लिमिटेशन आरोप करते हैं और डिरेक्टिव प्रिंसिपल इंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ थिंक करने के लिए ऑप्शन टू में बताया गया है द डिरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट द कोर्ट्स प्रिंसिपल कोर्ट्स के द्वारा इनपोर्सिबल नहीं है ऑप्शन थ्री में बताया गया है एनी एनी लॉ इज मेड टू इंप्लीमेंट ऑफ द डायरेक्टिव डिरेक्टिवशन इन पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट वुड बी इम्यून फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कंफर्ड बाय आर्टिकल फोर्टीन एंड नाइनटीन एनी लॉ अगर कोई लॉ है जो मेड टू इंप्लीमेंट एनी ऑफ द मेंशन पार्ट फोर को डायरेक्टिव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेंस्टिट्यूशन के ग्राउंड पे इसे हटाया जा सकता है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है वो आर्टिकल फोर्टीन या नाइनटीन में बताया गया है एंड नाइनटीन डिरेक्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है जो इम्प्लीमेंटेड बाई ले इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए सो so, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सो so, यहाँ पर वन टू एंड फोर स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ऑप्शन थ्री जो है वो रॉन्ग है ओके सो वन टू एंड फोर मतलब ऑप्शन वन इज द करेक्ट एंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लूकस डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्री फॉर्म्स ऑफ पावर डज नॉट इंक्लूड वहां लुकस का जो कॉन्सेप्ट है थ्री फॉर्म ऑफ पावर का वो इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं करते हैं ओके okay? फर्स्ट है कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट ओके ऑप्शन टू डिसीशन मेकिंग ऑप्शन थ्री थॉट कंट्रोल एंड एजेंडा सेटिंग मतलब कैपेबिलिटी को एनहेंस करना चाहते हैं ऑप्शन टू डिसीशन बनाना चाहते हैं थॉट ऑफ कंट्रोल को या एजेंडा सेटिंग को सो करेक्ट आंसर जो इंक्लूड नहीं है वो है कैपेसिटी एनहेंसमेंट ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसेटेशन रीजन है है फॉर गांधी जी फंक्शंस विदाउट द कोहेसिव पावर ऑफ द स्टेट गांधी के अकॉर्डिंग जो एनलाइटेड एनर्जी है वो रेफर करता है टू अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी एक फॉर्म ऑफ सोसाइटी के बताता है विच फंक्शंस विदाउट द कोहेसिव पावर ऑफ द स्टेट जो काम करता है Uh, जो काम करता है विदाउट द कोशिप पावर ऑफ द स्टेट ओके अकॉर्डिंग जो एनर्जी मतलब ये फॉर्म ऑफ सोसाइटी एक टाइप का फॉर्म ऑफ सोसाइटी है जो काम करता है विदाउट uh, मतलब जो बलपूर्वक क्षमता है उसके मैंने अगेंस्ट ओके नेक्स्ट इंडिविजुअल्स हैव फुल कंट्रोल ऑफ ऑफसेल्फ उनके पास फुल कंट्रोल है ओके okay? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा सो so, ए पर फॉल्स नहीं है ये द दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है सो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थॉमस हॉब्स कंस्ट्रक्टेड हिज पॉलिटिकल फिलोजफी ऑन द बेसिस ऑफ पॉस्टूल डिराइव फ्रॉम थॉमस हॉब्स का जो पॉलिटिकल फिलोजफी का कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने कहाँ से लिया था प्रिंसिपल्स एंड नेचुरल साइंस से मेटाफिजिक्स से थियोलॉजी से या सोशल साइंस से करेक्ट आंसर है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंस लिया था ओके सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके विच ऑफ द फॉलोइंग रिकोमेंडेशन ऑफ द सर्करिया कमीशन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर सो कौन से कौन से रिकमेंडेशन है सरकरिया कमीशन गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर ओके फर्स्ट है ही शुड बी एमिनेंट इन सम वर्क ऑफ लाइफ सो उनको एक, एक, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए लाइफ में नेक्स्ट ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट उनका राष्ट्र के बाहर के नागरिक होना चाहिए नेक्स्ट ही शुड बी डिटैच फिगर एंड नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड विथ लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट ही शुड बी डिटैच उसको डिटैच होना चाहिए फिगर Uh, होना चाहिए एंड नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड लोकल पॉलिटिक्स के साथ उनका रिलेशन नहीं होना चाहिए नेक्स्ट ही शुड बी अ पर्सन हु हैज नॉट टू टू टेक ग्रेट पार्ट इन पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट प्ले रोल नहीं करेंगे इन जनरल वो पास्ट uh, में ये पर्टिकुलर ये पॉलिटिक्स के पार्ट नहीं होंगे सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा सो वन टू थ्री एंड फोर वो चारों ही चारों रिकमेंडेशन किए थे ओके okay? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर ऑथर और उनके कंपोनेंट ऑफ कॉन्सेप्ट को मिलाना होगा फर्स्ट है जॉन रॉल्स उसके बाद है रॉबर्ट नोजिक माइकल वर्ल्जर थॉमस पोग ओके सो जॉन रॉल्स का क्या कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट नोजिक का है जस्टिस एज एनलाइटनमेंट का वर्ल्जर का कॉन्सेप्ट है कम्युनिटेरियन परस्पेक्टिव ऑफ जस्टिस एंड थॉमस पोक का है ग्लोबल जस्टिस सो ऑप्शन जो थ्री uh, है वो हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि करेक्ट जो क्रोनॉजिकल ऑर्डर होगा वो होगा थ्री फोर वन एंड टू ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिस्ट वन के साथ टू को मैच करना होगा लिस्ट वन में है एल्टन में उसके बाद है हेनरी फ्योल उसके बाद है हेनरी निकोलस हेनरी ऑप्शन टू में है टेलर ओके लिस्ट टू में है क्लासिकल थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इल्टॉन मेयो का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ जाएगा एल्टन मेयो का जो कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के साथ हेनरी पे का जो कॉन्सेप्ट है वो जाएगा किसके साथ क्लासिकल थ्योरी के साथ और निकोलस हेनरी का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड टेलॉर का साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ सो ऑप्शन टू जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ऑर्डर होगा थ्री वन फोर टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का ओके okay. यहां पर बुक्स और ऑथर मिलाना होगा फर्स्ट है ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज ऑप्शन टू में है पॉलिटिकल पार्टीज ऑप्शन थ्री है कम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन एंड फोर में है कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थ्योरी ऑथर में कौन कौन होगा रॉबर्ट मिचर्स रॉबर्ट मैकेजर जेम्स एबल एंड रॉबर्ट हार्डग्रिफ एंड ऑप्शन डी होगा जेन बॉन्डल ओके सो ऑप्शन ए के साथ कौन सा जाएगा ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी किसने लिखा है वो लिखा है मैक मैकन, पॉलिटिकल पार्टीज ये बुक लिखा था ने कॉम्पेटेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन ये बुक लिखा था जहां बॉन्डल ने एंड कॉम्पेटेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थ्योरी ये बुक लिखा था जेम्स बिल एंड रॉबर्ट एच हार्ड्रेप ने तो ऑप्शन थ्री यहां पर करेक्ट आंसर होगा क्योंकि करेक्ट ऑर्डर होगा टू वन फोर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का व्च ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट विस इन द आफ्टर मतलब अरब स्प्रेंग के बाद दो हजार ग्यारह के बाद किसने पॉलिटिकल वायलेंस नहीं देखा था ऑप्शन वन सऊदी अरेबिया ऑप्शन टू इजिप्ट ऑप्शन थ्री तुनसनिया एंड ऑप्शन डी लिब्रिया ओके सो करेक्ट आंसर होगा सऊदी अरेबिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन वन यहां पर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट हुआ थ्योरी ओके किसने uh, जो ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को एक मिथ कहा टेरी ने फॉलेट ने मुन्ने एंड मिलेट ने किसने कहा करेक्ट so, जो आंसर होगा वो होगा फॉलेट ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर ओके सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर सो आज के लिए इतना ही सो so, तब तक के लिए थैंक यू कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग